निभाए दे, पैर न पोते प्यारा धरतो, कहे तई जग बंधन तोड़े, गुरमंत्र में मन के जोड़े, घर आदि आत्म घरत। राग धन्ना करे भजनाथ, कतरण जी कर न कर तू, उठे ऐतसा और सखेरे ते, कार कतन भी कर तू हरदम, मोहबत मकड़े मोर सकेरे, मुँह मुनन में पल पल पाए, ढाढ़ी बुध तू ढोर सखेरे, अठये पैर अंतर विहे, चित सा चरखो चोरज सखेरे, जगत सिखी सतगुर सा, सांस सांस सा सोर सखेरे। आज परम पवित्र दिन भगवान शंकर का, आज के दिन भगवान शंकर अपनी जटा खोलते हैं और तीन देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये चार चार महीना जो है राजा के यहाँ पहरा देते हैं। चार महीना शंकर जी, चार महीना ब्रह्मा जी, चार महीना जो है विष्णु जी। तो आज जो भगवान शंकर का पहरा समाप्त हुआ, अब भगवान शंकर के शिवरात्रि माने कल्याण करने वाली रात्रि जिसका नाम है वो मनाते हैं। तो इसलिए आज के दिन जो शंकर भगवान की पूजा करता है वो साल भर की पूजा हो जाती है, और जो आज के दिन पूजा नहीं करे, साल भर जो है पूजा करता रहे, तो उसको पूजा साल भर की का कोई फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए आज के दिन भगवान की पूजा करने का बड़ा महत्व है। तो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर भगवान की जय। आज के दिन काशी के अंदर जो है भगवान की जो है विशेष पूजा मानी जाती है। तो मेरे भोले बाबा को अन्हारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को गमारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, डमरू को देख के मनारी मत समझो, डमरू को देख के मनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा। तो भगवान शंकर के हाथ में डमरू है, भगवान डमरू बजाते हैं, तो डमरू को देखकर भगवान को जो है मदारी नहीं समझना चाहिए। जो मदारी जो है शहर में नाच दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, वैसा शंकर भगवान नहीं है। तो मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा,
को अनारी मत समझो मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा की बैल की सवारी, मेरे भोले बाबा बैल की सवारी, बैल को देख के व्यापारी मत समझो, बैल को देख व्यापारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा जो है बैल पर सवारी करते हैं, तो बैल को देख करके भगवान शंकर को व्यापारी नहीं समझना चाहिए। तो ये अपनी अपनी सवारी है, माता दुर्गा के शेर के ऊपर सवारी है, भगवान की गरड़ के ऊपर सवारी है, तो ऐसे भगवान शंकर के बैल के ऊपर सवारी है। तो शीश बस वरदा वरदानी, चढ़ो वरदा करनी वरदाए, भाम दतुरो धाम ककुरो लोक निवास जहाँ सब मर जाए, खाली बिहारी कपालिए चौदस भांग के काटन के पर जाए, रात सिरोपन कान के भाग लोकत लोकब को कर जाए। तो भगवान शंकर की जो है शमशान के अंदर है मकान है, शमशान में रहता है, और देवी देवताओं के बड़े बड़े सुंदर महल है, लेकिन भगवान शंकर त्यागी है तो शमशान में रहता है, लेकिन जिस पर के ऊपर उसकी नजर पड़ जाए तो वो कैसा भी दारक जिस गरीब तो ना हो वो त्रिलोकी का राजा बन सकता है। तो ऐसी भगवान के नजर में शक्ति है। तो मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा को अनारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा, मेरे भोले बाबा के हाथ में तेरे सुल, मेरे भोले बाबा के हाथ में तेरे सुल, तेरे सुल को देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा, ओ मेरे भोले बाबा को शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा। तो भगवान शंकर सब देवी देवता हथियार रखते हैं, कोई तलवार रखता है, भगवान राम धनुषवान रखते हैं, और देव तो भगवान शंकर जो है अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं। त्रिशूल का मतलब है तीन आधी व्याधि जो रोग है उनको नष्ट करने वाला। तो भगवान शंकर ऐसा दयालु है, थोड़े में पानी छड़ा दो उसमें ही प्रसन्न हो जाता है, और देवी देवताओं के पूजा के विधान होते हैं, उस विधि से पूजा करते हैं तब वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान शंकर जो है मिट्टी की मूर्ति पिंडी बनाकर उस पर ही जल चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाता है। जैसे भगवान राम ने जो है रामेश्वर में भगवान की जो है पिंडी बनाकर वहीं जल चढ़ा दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो रावण जो के इतना महाबली था, सारे देवी देवताओं पे उसकी आज्ञा चलती थी, और काल को उसने अपनी पार्टी से बांध रखा था, उसको कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन भगवान राम ने शंकर की पूजा करके उस महाबली रावण को भी जो है समाप्त कर दिया। तो इसलिए आज जो है शंकर भगवान की विशेष पूजा का दिवस है। तो आज के दिन जो है शंकर के भक्त लोग जो है भगवान शंकर की पूजा करते हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूध का अभिषेक करते हैं, और प्रसन्न करने के लिए रात्रि जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं कि भगवान
शंकर प्रसन्न हो जाए तो थोड़े में प्रसन्न होने वाला भगवान शंकर ही एक ऐसा देवता है जो के प्रसन्न होकर के अपने भक्तों के सब दुख दूर कर देता है। तो ऐसा जो है भगवान शंकर आज जो है उनका दिवस है, आज के दिन जो है उनकी पूजा होती है, उपवास रखते, कीर्तन करते, जागरण करते, तो हमको भी जो है आज के दिन भगवान का सुमरण जागरण कीर्तन करना चाहिए जिससे कि भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए। तो ऐसा जो करते हैं तो उन्हीं को जो है भगवान के दर्शन होते हैं। तो कहा है रामायण के अंदर कि जा पर कृपा करे ना पुरारी काहे न मिले भक्त हमारी। तो भगवान राम भी कह रहे हैं कि जब तक जो है शंकर भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न नहीं होता और तब तक जो है उनको हमारी जो है भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए शंकर भगवान की पूजा विशेष कही गई है, हम भी जो है शंकर भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी और जब भगवान की भक्ति प्राप्त होगी तब इस प्राणी का कल्याण हो जाएगा। अब समय करता है इनकार, भगवान को करो नमस्कार, बेड़ा हो जाए पार। हरिओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, ओम तत्सत। आवाज बढ़ाओ। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम तत्सत। हाँ ठीक। सबसे पहले मैं सबके आत्मदेव भगवान शिव की वंदना करता हूं जिनका एकमात्र अस्तित्व है, जो मन शरीर और संपूर्ण दृश्यमान जगत के रूप में प्रकट हैं। और एकमात्र वही प्रकट हैं, मन शरीर और संपूर्ण जगत उनके संकल्प से ही उनके अंदर से उत्पन्न हुआ है, उनके अंदर ही पड़ा हुआ है। और मन शरीर तथा संपूर्ण जगत में जो कुछ भी होता है उनके संकल्प से ही होता है। ऐसे भगवान शिव की मैं बार बार वंदना करता हूं। तत्पश्चात मैं सभी संतों के चरणों में वंदना करता हूं जो आत्मस्वरूप भगवान शिव का चिंतन करके
स्वयं वही हो गए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। चंद्रमा अमृत का प्रतीक है और वह वक्र होने पर भी वंद्य है, क्योंकि उसे भगवान शिव ने धारण कर रखा है। जो उस अमृत को धारण कर लेता है वह शिव हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास ने भवानी और शंकर की वंदना की है और कहा है कि भवानी श्रद्धा रूप हैं और शंकर विश्वास रूप हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन से आत्मानुभूति प्रकट होती है, वही भगवान शिव का वास्तविक रूप है। श्रद्धा शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, शर्त और धा। शर्त का अर्थ होता है निश्चित और धा का अर्थ होता है धारण करना। निश्चित धारण करना श्रद्धा है और निश्चित धारण एकमात्र सद्गुरु में ही होता है। जो सद्गुरु को स्वीकार करते हैं, वरण करते हैं, धारण करते हैं, वही श्रद्धा को धारण करते हैं। श्रद्धा एकमात्र उन्हीं में प्रकट होती है। जब भवानी और शंकर का मिलन जीवन में होता है तो श्रद्धा पूर्णता को प्राप्त होती है, श्रद्धा विश्वास से मिलकर पूर्णता को प्राप्त होती है और इसके बिना ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि जीव और शिव के मिलन की घटना है। इसका जो प्रतीकात्मक रहस्य है वही इसमें महत्वपूर्ण है। केवल कथानक महत्वपूर्ण नहीं है, कथानक से आपके जीवन में कोई क्रांति नहीं आ सकती, आपका जीवन दिव्यता और पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसका जो प्रतीकात्मक रहस्य है उसे जब आप समझेंगे तभी आपके जीवन में क्रांति आ सकती है, गुरु का स्वरूप आपके जीवन में प्रकट हो सकता है। भगवान शंकर का जब विवाह होने लगा और उनकी बारात जाने लगी तो बाराती में देवतागण भी थे, असुरगण भी थे, मनुष्य भी थे, ऋषि मुनि भी थे, भूत प्रेत भी थे, सभी थे। सृष्टि में जो कुछ भी है वह सब उनकी बाराती में था। तो ऐसी बारात भगवान शंकर की थी। आपके मन में तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों के रूप में है। जब जीव शिव से मिलने चलता है तो मन की अनंत वृत्तियां जो तीनों गुणों के रूप में हैं, बाराती के रूप में साथ चलती हैं। तो इन तीनों गुणों को ही
देवगण, असुरगण और ऋषि मुनि के रूप में बताया गया। ऋषि मुनि सतोगुण के प्रतीक हैं, देवगण रजोगुण के प्रतीक हैं और असुरगण भूत प्रेत आदि तमोगुण के प्रतीक हैं। तो ये तीनों गुण भगवान शंकर के विवाह के समय बाराती के रूप में चले। मन की अनंत वृत्तियां बाराती बन करके चली। भगवान शंकर से मिलने के लिए, शिव रूप भगवान शंकर से मिलने के लिए, आत्मा रूप भगवान शंकर से मिलने के लिए, साक्षी रूप भगवान शंकर से मिलने के लिए ये तीनों वृत्तियां व्यवस्थित होकर, संतुलित होकर मिलने चली। मीरा ने कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई या प्रेम सगाई की घटना है, या महामिलन की घटना है, आपके जीवन की घटना है, या कोई बाहरी घटना नहीं है। केवल बाहरी स्तर पर ही आप इसको लेंगे तो भगवान शिव के विवाह की जो घटना है, भगवान शंकर और पार्वती के मिलन की जो घटना है, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसके प्रतीकात्मक रहस्य को समझना अनिवार्य है और वह यही है कि मन की अनंत वृत्तियां जब शिव को, आत्मा को समर्पित होती हैं तो भगवान शंकर और पार्वती का महामिलन आपके जीवन में घटित होता है। इस महामिलन में प्रवेश करना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। जब तक यह घटना घटित नहीं होती तब तक जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, संसार के सुख दुख के बंधन में पड़े रहना पड़ता है। इस महामिलन की घटना में प्रवेश कराने के लिए एकमात्र सद्गुरु ही समर्थ हैं। सद्गुरु की कृपा आपके जीवन में हो जाए तो यह महामिलन की घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। अनेक बंधन ते बाधिया एक बेचारा जीव, अपने बस छूटे नहीं जो न छुड़ावे पियो। जीव अनेक बंधन से बंधा हुआ है और इसको किसी दूसरे ने नहीं बांधा है, वह खुद ही बंध गया है, लेकिन खुद इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता क्योंकि यह बंधन जन्म जन्म का है और इतना मजबूत हो गया है कि इससे अलग जीव कुछ सोच विचार भी नहीं सकता। इस बंधन को खोलने के लिए एकमात्र सद्गुरु ही समर्थ हैं, क्योंकि वे पहले से ही मुक्त हैं। जो पहले से मुक्त हो वही किसी के बंधन को खोल सकता है और सद्गुरु एकमात्र शिव रूप होते हैं, आत्मा रूप होते हैं। उन्हीं को केवल ज्ञान, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ कहा जाता है। उसी के अंदर से मन रूपी ज्ञान प्रकट हो जाता है, उन्हीं के अंदर से शरीर रूपी ज्ञान प्रकट हो जाता है, उन्हीं के अंदर से जगत रूप ज्ञान प्रकट हो जाता है और मन, शरीर और संपूर्ण जगत उन्हीं के अंदर पड़ा रहता है। जब इनकी उपयोगिता पूरी हो जाती है तो मन, शरीर और संपूर्ण जगत उनके संकल्प से ही उन्हीं में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार मन का पर्दा उठ जाता है। मन जो आपके अंदर का जगत और बाहर का जगत बना हुआ है, जो आपके शरीर के रूप में भी है, उस मन का पर्दाफाश, मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड हो जाता है। मन के पर्दाफाश होते ही आपका जो आत्म स्वरूप है, जो शिव तत्व है, वह जीवन में प्रकट हो जाता है। इसी महामिलन की घटना में प्रवेश कराना सद्गुरु का एकमात्र उद्देश्य होता है। मन की अनंत वृत्तियां जो आपको निरंतर विचलित कर रही हैं, आत्मविचार से विचलित कर रही हैं, ध्यान से विचलित कर रही हैं, उन वृत्तियों को आत्मचिंतन में, ध्यान में लगाना, यही जीवन की सार्थकता है। और तभी आपके जीवन में महामिलन की घटना, भगवान शंकर और पार्वती के
मिलन की घटना आपके जीवन में घटित हो सकती है। सदगुरु रविदास जी ने कहा है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। उन्होंने कहा है कि मन ही पूजा है और मन ही धूप है। अब मन कैसे पूजा है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो भगवान शंकर और पार्वती का महामिलन आपके जीवन में घटित नहीं हो सकता। जो कुछ भी आपको मिला है उसको स्वीकार करने की कला सदगुरु बतलाते हैं, और जब ऐसी कला ऐसी योग्यता आपके अंदर प्रकट होती है तो मन जो आपके लिए बंधन रूप है, दुख रूप है, वह स्वीकृत हो जाता है, उसका बंधन खुल जाता है, मन का रहस्य प्रकट हो जाता है। मन के रहस्य के प्रकट होने से मन का बंधन खुल जाता है और वह मन स्वीकृत हो जाता है, और मन के स्वीकृत होने से वह पूजा रूप बन जाता है। इसीलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा है कि मन ही पूजा, लेकिन मन किस रूप में पूजा है, वह पूजा किस रूप में होगा, मन पूजा किस रूप में प्रकट होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा समझ करके ही आप मन के अनंत वृत्तियों को शिव की ओर, आत्मा की ओर प्रेरित कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो जो मन आपके लिए बंधन बना हुआ है, दुख रूप बना हुआ है, अभाव रूप बना हुआ है, उस मन की अनंत वृत्तियों को आत्मा की ओर प्रेरित करना है, आत्मचिंतन में लगाना है, ध्यान में लगाना है, तो आपका पूरा जीवन ध्यान में बन जाएगा, प्रेम में बन जाएगा, आनंद में बन जाएगा, और आपका जीवन पूजा का रूप बन जाएगा, आपका मन पूजा का रूप बन जाएगा। और इसके लिए मन की आहुति करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आगे रविदास जी ने कहा है कि मन ही धूप, धूप की आहुति की जाती है, अग्नि में धूप की आहुति की जाती है, और जब उसकी आहुति की जाती है तो वह सुगंध के रूप में अखिल ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसी प्रकार आपका मन है, वह मन एक व्यक्ति के रूप में, व्यष्टि रूप में आपके जीवन में है, और इसकी आहुति सदगुरु के चरणों में ही की जाती है। ज्ञान अग्नि में, सदगुरु के ज्ञान की अग्नि में इस मन की आहुति की जाती है, और जब इसकी आहुति होती है तो मन का रहस्य प्रकट हो जाता है, मन का बंधन खुल जाता है और वह मन पूजा रूप बन जाता है। जब वह मन स्वीकृत हो जाता है तो वह मन वास्तव में रहता ही नहीं, उसको चिदानंद कहा जाता है, चीति शक्ति कहा जाता है, वह चिदानंद के रूप में प्रकट हो जाता है, वह आपका स्वरूप ही बन जाता है। इसीलिए फकीर मंसूर ने कहा है, अगर है शौक मिलने का तो हर दम लौ लगाते जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाते जा। खुद नुमा यह आपका मन है, आपके जैसा ही यह मन है, आपको लगता है कि मैं मन ही हूं, लेकिन आप मन बिल्कुल नहीं है। तो खुद नुमा जैसा यह जो मन है उसकी आहुति करनी है, उसको जलाकर भस्म करना है। और यदि आप में मिलने का शौक हो, सदगुरु से मिलने का शौक हो, भगवान शिव से मिलने का शौक हो, तो आपके अंदर अखंड लगन, अखंड श्रद्धा होनी चाहिए। और जब ऐसी श्रद्धा ऐसी लगन आपके जीवन में प्रकट होती है तो इस मन की आहुति सदगुरु के ज्ञान में हो जाती है, उनके चरणों में इस मन की आहुति हो जाती है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाते जा, निरंतर चिंतन, निरंतर ध्यान आपके जीवन में प्रकट हो जाता है,
आपका जीवन प्रेम में बन जाता है, ध्यान में बन जाता है और तब यह मन जलकर भस्म होता है। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पे लगाते जा, खुद नुमा जो मन है वह जलकर भस्म हो जाता है और भस्म होने पर वह विभूति के रूप में प्रकट होता है, भस्म के रूप में विभूति के रूप में प्रकट होता है। उस विभूति को, उस भस्म को धारण करने से आप शिव रूप हो जाते हैं। इसी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है, सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उन्होंने कहा कि सुकृति नाम की विभूति भगवान शंकर ने धारण कर रखी है और वह ऐसी विभूति है जो मोद को भी प्रदान करने वाली है और मंगल को भी प्रदान करने वाली है। संसार के सुख को मोद कहा जाता है और आत्मा के आनंद को मंगल कहा जाता है। तो इन दोनों प्रकार के विभूतियों को, इन दोनों प्रकार की विभूतियों को एकमात्र तभी कोई प्राप्त कर सकता है जब अपने मन को जलाकर भस्म कर दे। तो जिस भस्म की प्राप्ति होती है, चीति शक्ति रूप जिस विभूति की प्राप्ति होती है, उसको धारण करने पर संसार का सब सुख भी प्राप्त हो जाता है और आत्मा का आनंद भी प्राप्त हो जाता है। बहुत लोगों के मन में यह भ्रांति होती है कि साधना करने से, ध्यान करने से जब समाधि की प्राप्ति हो जाएगी तो संसार का सुख तो मिट जाएगा, हमारी गृहस्थी खत्म हो जाएगी और हम इस संसार के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, इसे गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से बताया है कि मंजुल मंगल मोद प्रसूति, वह जो विभूति है जो मन को जलाकर भस्म कर देने पर प्राप्त होती है, वह विभूति मंजुल मंगल सुंदर आनंद को प्रदान करने वाली है और संसार के सुख को भी प्रदान करने वाली है। अर्थात पूर्ण आनंद आपके जीवन में उस विभूति को प्राप्त करने से प्रकट हो जाता है। उस पूर्ण आनंद को प्रकट करने के लिए ही आपके जीवन में शिवरात्रि है। शिव अपनी शक्ति योग माया से मिल जाए, जब तक अपनी शक्ति योग माया से वे अलग रहते हैं, वे जीव रूप में रहते हैं। अभी आप अपने को जीव रूप में अनुभव कर रहे हैं, मन के रूप में अनुभव कर रहे हैं और अपने जीवत्व को शांत करना है, आत्मसात करना है, आत्मस्वरूप में ही इसे लीन करना है और इस कला में प्रवेश करने के लिए सद्गुरु का सानिध्य अनिवार्य है, उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनके आदेशों के पालन करने की आवश्यकता है, उनके जैसा अपना जीवन बनाने की आवश्यकता है, तब धीरे धीरे यह महामिलन की घटना आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। आपका जीवत्व शांत होने लगेगा, आत्मसात होने लगेगा, आपकी जो आदि शक्ति योग माया है उसको वर्ण करने, स्वीकार करने की योग्यता आपके अंदर धीरे धीरे प्रकट होगी और जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में मन को जलाकर भस्म कर देंगे, निर्विचार कर देंगे, तब आपका जीवत्व अवशोषित हो जाएगा और आपके अंदर जो शिव तत्व है वह प्रकट होगा, अपनी शक्ति आदि शक्ति योग माया से मिलेगा और आपके अंदर महामिलन की घटना घटित होगी। यही शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि में आपको प्रवेश करना है, ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तथास्तु।
बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे हरे कृष्ण लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी प्रेम राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। आयो लाल सवई जय झूलेला। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निशोकमानं वतिरागदेश्यं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनयवृत्तकामं श्रीते रामं शरणं प्रपदे। सर्वानन्दप्रदातारं सर्वानन्दविकासकं सर्वानन्दावतारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं। श्री सर्वानन्दं नमाम्यहं। वाणी शंकर वंदे शरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। सर्वमङ्गलमाङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्नन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादा शिशिरोरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिजगदारिणे नमः। नमः शारदा मातृविद्याकवेरी करुणेदमेदाय पातन्त्रवेदी करुणश्चमादिशान्त्यावदीजे अर्वापकारी उदयनाम कीजे। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् पटस्य पटस्य पुटेशयानम् बालमकन्दम् मनसा स्मरामि। बालमकन्दम् मनसा स्मरामि। मस्तक गंगधार है नारों का हार है। मस्तक गंगधार है
की माला गल में बैल की सवारी, मंडलों की माला गल में बैल की सवारी, मंडलों की माला गल में बैल की सवारी, मंडलों की माला गल में बैल की सवारी, संग में सो जादलारी, संगे सोते गिर जादलारी, संग में सोहे तेरे गिर जादलारी, संगे सोते गिर जादलारी, भूत गण साथ है, शंकर भगवान की। सदा शिव सर्ववर दाता, दया कर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर पवर जाता, दया कर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो, हरे सब दुख भक्तन के दया कर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर दया कर हो तो ऐसा हो, सदा शिव दाता दया कर हो तो ऐसा हो, कल्पतर वर की छाया में शिखर कैलाश के ऊपर, कल्पतर वर की छाया में, कल्पतर वर की छाया में, कल्पतर वर की छाया में, रमेन तो संग गिर जाके रमण गर हो तो ऐसा हो, रमेन संग गिर जाके रमण गर हो तो ऐसा हो, सदा शिव सर्ववर दाता दया कर हो तो ऐसा हो, सदा
परम आदरणीय श्रीधर आचार्य सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज, वह उनके स्वरूप में बैठी प्यारी सात संगत सभी प्रेम से बोलिए सदनाम साखी। आज परम पावन दिवस शिवरात्रि का भगवान शंकर के प्राकट्य का दिवस भी यह माना जाता है। माता पार्वती जी और भगवान शंकर के शादी का दिवस भी इसे कई मतों में माना जाता है। हर किसी की अपनी परंपरा, अपने मत, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह भगवान शंकर की कृपा का विशेष दिवस है, जो भक्तों के लिए, भक्तों के कारण से निर्मित हुआ। भगवान शंकर जो ऐसे दयालु, कहा जो सर्व वरों को देने वाले हैं, दुनिया का कोई भी पदार्थ उनसे अछूता नहीं, इतना सब होने के बाद भी उनकी स्थिति दिगंबर हो तो ऐसा हो, स्वयं के पास कुछ नहीं, कोई कामना ही नहीं, सिर्फ एक वस्तु के अलावा, और वह चीज है परमात्मा का नाम। राम का नाम जहां आ जाए वहां भगवान शंकर जी भोले बाबा बड़े निर्वाण हो जाते। कहते हैं भगवान शंकर जी का ऐसा स्वभाव है, महापुरुष बताते हैं, कहा शमशान में जाते हैं, शमशान में जाकर भभूत लगाते हैं, इसलिए नहीं कि श्रृंगार करना होता है, कहा इसलिए लगाते हैं कि जब लोग अर्थी को लेकर जाते हैं तो उनके साथ क्या कहते जाते हैं, राम नाम संग है। कहा भगवान शंकर ढूंढते रहते हैं उस भभूत में कि वह राम नाम कहां चला गया, और उसी चाहना से सारे मस्तक पर क्या लगा देते हैं कि जिसके कारण राम का जप किया गया, जिसके लिए राम का जप किया गया, मैं उसकी धूली को, मैं उसके शरीर को, राख को अपने मस्तक पर लगा सकूं। इसके अलावा उनके जीवन की कोई चाहना ही नहीं। विवाह का रामायण में आया, 87,000 वर्षों तक सब कुछ छोड़कर ध्यान में बैठे रहे। भगवान ने प्रेरणा की तुम विवाह करो, और भगवान की आज्ञा मानकर भगवान से कहा मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। कहा तुम्हें बंधना पड़ेगा क्योंकि जगत के कल्याण के लिए, देखो महापुरुषों की प्रत्येक क्रिया जगत के उद्धार के लिए होती है। और विवाह हुआ, जन्म हुआ कार्तिक जी का, और तारकासुर का वध हुआ। हर क्रिया, हर उनकी बात भगवान से जुड़ी हुई। इतना सब होने के पश्चात भी अपने जीवन को कैसे बनाकर रखा, यह अभिमान भी नहीं जीवन में कि मैं कुछ कर सकता हूं। पर जब संसार में मुसीबत आए, स्वामी हरदास महाराज जी कहते थे जो भक्त है ना वह अचानक से प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट होता है, जब मंथन हुआ देव और दैत्य आपस में मथने लगे, मथानी बनाकर मंदराचल की, तो सबसे पहले क्या निकला, जहर निकला।
अब स्वीकार तो सबको करना है, जो चीज निकलेगी उसे स्वीकार करना है। अब जहर जो निकला भयंकर, उसे कौन ले? तो सबको पता चल गया कि जिनकी कृपा के बिना यह काम हो नहीं सकता, हम उन्हें ही भूल गए हैं। और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि अब आपके समान कोई नहीं जो इस जहर को ग्रहण कर सके, क्योंकि उन्हें पता था राम नाम की महिमा का। देखो, देवों को भी पता था कि राम नाम की महिमा का प्रताप कितना है, क्योंकि भगवान शंकर ने उस नाम को अपना जीवन आधार बना दिया था। नाम प्रभाव जान शिव नीको, काल कूट फल दीन अमीको। और उस नाम के प्रभाव से स्वामी जी ने बताया, भगवान शंकर ने जहर को ग्रहण किया और ग्रहण करके कंठ में रोक दिया। उनका नाम नीलकंठ कहलाया, मंदिर भी है नीलकंठ के नाम से ऋषिकेश के ऊपर, बड़ा सुंदर स्थान है। और जहर को नीचे नहीं आने दिया। माता पार्वती ने कहा, अटका दिया है आपने ऊपर गले में कंठ में, कहा नीचे मेरे हृदय में मेरे प्रभु विराजते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रभु को मेरे कारण क्या हो, तकलीफ हो। संसार के समस्त जहर को, विष को भगवान ने कंठ में रोक लिया। स्वामी हरदास समाज कहते थे, यह उदाहरण है सब जीवों के लिए। इस संसार में जहर क्या है? कहते थे जहर है यह शब्द जो किसी से बोले जाते हैं, किसी से अपशब्द कहे जाते हैं, किसी से कुछ बड़ा कहा जाता है, किसी को कुछ टोका जाता है, यह शब्द क्या है? जहर के समान है। कहा जो इन शब्दों को कंठ में रोक दे, हृदय में भी नहीं रखे, हृदय में रखेगा तो जलन होगी और निकालेगा तो लोगों का नुकसान होगा। जो विचार पूर्व करके शब्दों को कंठ में रोक दे, वह भी क्या हो जाता है? शंकर के समान बन जाता है, जगत में पूजनीय बन जाता है। कहा यह इतिहास हमें सिखाते हैं, हमें बतलाते हैं कि जीवन कैसे जीना है, और मुश्किलों से कोई भी नहीं बच पाया। और भगवान शंकर तो इतने दयालु, भस्मासुर ने तपस्या करके वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? मैं जिस पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। और जैसे ही वरदान मांगा, आसक्ति फंस गई माता पार्वती की ओर, और सोचने लगा भगवान शंकर पर हाथ रखूं, भगवान शंकर भस्म हो जाएंगे और मैं माता पार्वती से विवाह कर लूंगा। सभी प्रेम से बोली सदनाम सभा की। अब वरदान दे दिया, वरदान देकर स्वयं फंस गए। अब भागने लगे भगवान शंकर यहां से वहां, नारायण के शरण में गए। भगवान को कहा, भगवान ये तो मुसीबत हो गई, वरदान दिया इसको, कहा यह तुम्हारे ही काम है, बड़े सीधे हो, जो जैसा वरदान चाहे वैसा दे देते हो। रावण के पिता ने पूजा कराई भगवान शंकर के घर की, माता पार्वती को मन हुआ घर बने बड़ा सुंदर, महल हो, यहां रह रहे के परेशान हो गए, माताओं को दिल होता है। अब घर मकान बन गया, अब भगवान शंकर का जो मकान बनेगा सबसे निराला। मकान बनकर तैयार हुआ, रहने आए, का रहने के लिए पूजा कराए। अब हवन की तैयारी हुई, ब्राह्मण आए, रावण के पिताजी आए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? कहा महाराज आपसे क्या मांगना, कहा बताओ क्या चाहिए।
कहा जो ना यह नगर आपने बसाया है, यह नगर मुझे दान में दे दो। भगवान शंकर ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती ने कहा आपने वचन दिया है, पतिव्रता का धर्म क्या है, पति के अनुसार चले। कहा इससे यह नगर दान में दे दो, और नगर दान में दे दिया। वापस आकर कहां बैठ गए, जहां पहले स्थापित थे, दिगंबर स्थिति, आकाश के नीचे। माता पार्वती कहने लगी कैसा भाग्य है हमारा, शहर बनाया, मंदिर बनाया, घर बनाया, सारा सोने का, वही लंका थी जो रावण के पास थी, और आप इतने दयालु वरदान देने पर आए, तो वह सारा नगर उसे दान दे दिया। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती हमारा कर्म है भगवान का स्मरण करना, भजन करना, हम जिस हाल में हैं उस हाल में खुश। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, जो होनी है सो होने दो। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, जो होनी है सो होने दो। तुम मस्त रहो खुद मस्ती में, मस्त रहो मस्ती में, तुम मस्त रहो खुद मस्ती में, अल मस्त रहो अल मस्ती में, अल मस्त रहो अल मस्ती में, अल मस्त रहो अल मस्ती में। जो जागे तो उसकी इच्छा, जो जागे तो उसकी सोना चाहे उसे सोने दो, जो सोना चाहे उसे सोने दो। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, हर हाल में तुम खुशहाल रहो। बैलाजी राम की माया है, कहीं धूप कहीं तो छाया है। बैलाजी राम की कहीं धूप तो कहीं छाया है। बैलाजी राम की माया है, कहीं धूप कहीं तो छाया है। बैलाजी राम की माया है, कहीं धूप कहीं तो छाया है। कहीं धूप कहीं तो छाया है, कहीं धूप कहीं बुराई का बोना नहीं। तुम बीज बुराई का बोना नहीं, जो बोना चाहे उसे बोने दो, जो बोना चाहे उसे बोने दो। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, हर हाल में तुम खुशहाल रहो, जो होनी है सो होने दो। हर हाल में तुम खुशहाल रहो, हाल खुशहाल रहो। कहा यह राम की माया है, वह जैसे रुकाना चाहे। और वहां बैठे बैठे भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा का उपदेश दिया, वह अमरनाथ का स्थान पावन। तो भगवान शंकर जी नारायण के पास पहुंचे, कहा महाराज बचाइए। भगवान ने युक्ति बता दी, कहा इससे प्रतियोगिता करो कि तुम्हारे समान नाचे। और भस्मासुर तैयार हो गया। कहा जो नाच डांस में जीतेगा वह माता पार्वती को वरण करेगा और कहना कि तुम्हारे समान नाचे, एक भी कला अलग नहीं हो। भगवान शंकर ने नृत्य प्रारंभ किया, वह तो नाम ही नटराज उनका, और उनके अनुसार ही भस्मासुर ने चालू किया। और नृत्य करते करते भगवान ने अनंत लीलाएं की, कलाएं की।
और कला करते करते एक ऐसी भावभंगा बनाई, अपना हाथ मस्तक पर रख दिया। जैसे ही मस्तक पर रखा, वह दैत्य भी नाचते नाचते भूल गया और उसने भी अपना हाथ अपने मस्तक पर रखा, और जैसे ही रखा भस्मासुर का नाश हो गया। समाप्त हुआ, भगवान शंकर शरण में आए भगवान के, कहने लगे महाराज आपने रक्षा कर दी हमारी। हंस के नारायण जी कहने लगे कि आप बड़े भोले हो, बड़े दयालु हो, कोई कैसा भी वरदान मांगे आप बिना सोचे समझे देते हो। कहने लगे महाराज यह मेरा कोई प्रयास नहीं, कोई आपके नाम से आता है, आपके नाम से बोलता है, तो मेरा जो मन है वह देने से रुक नहीं पाता। इतनी उनकी दयालुता, इतनी कृपालुता, तो आज बड़ा पावन दिन भगवान शंकर का, हम उनसे यही वरदान मांगे, यही उनसे प्रार्थना करें कि उनके जीवन से जो भक्ति का रंग है वह थोड़ा रंग हमारे जीवन में भी चढ़ सके। बोल सतगुरु देव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सजवटे उड़ाऊ महाराज की जय। सजगुर सर्वानंद महाराज की जय। सजगुर शांति प्रकाश महाराज की जय। सजगुर रास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा भारत मंडल की जय। न्यशोकमानं गतिरागदेशं ज्ञानी कसूरं जहरे कवंद्यं अध्यात्मरीरं शरणं प्रपदे।
त्रिपुरगौरम् करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रः सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे सरितं नमामि भवं भवानी सरितं नमामि शिव शंकर भोले बड़े निवासी है ओश शंकर भोले भरे कैलाश निवासी है ओश शंकर भोले भरे कैलाश निवासी है शंकर बोले बड़े कैलाश निवासी हैं बागंबर धारी वो आनंद घन राशि है बागंबर धारी वो आनंद घन राशि है आनंद घन राशि है जटा में बहती गंगधारा जटा में बहती गंगधारा उन्हें मस्तक पे चंद्र प्यारा सोए मस्तक पे चंद्र प्यारा जटा में बहती गंगधारा जटा में बहती गंगधारा सोए मस्तक पे चंद्र प्यारा सोए मस्तक चंद्र प्यारा गले में सर्पों की माला है भक्तों का रखवाला गले में सर्पों की माला है भक्तों का रखवाला शिव शंकर बोले कैलाश निवासी है शिव शंकर बोले कैलाश निवासी है ज्ञानी ज्ञानी बोले
सुनारी तेरी महिमा सब सुनारी तेरी सूरत सब प्यारी तेरी सूरत सब प्यारी गले में दर्द में माला भक्तों का रखवाला गले में दर्द की माला भक्तों का रखवाला शिव शंकर बोल बे कैलाश निवासी है शिव शंकर बोल बे कैलाश निवासी डम 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 रूबारे तेरे हाथ त्रिशूल गाजरे डम 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 रूबारे तेरे हाथ त्रिशूल सागे नाम प्यारा रहे तू मस्त वाला कीकर राम नाम प्यारा रहे तू मस्त वाला गले में भक्तों की माला है भक्तों का ये रसवाला शिव शंकर बोल बड़े कैलाश निवासी है शिव शंकर बोल बड़े कैलाश निवासी है बारंबर धारी वो आनंद घन राशि है बारंबर धारी वो आनंद घन राशि है जटा में भक्ति कंद धारा चले भगवत चंद धारा जटा के भक्ति कंद धारा चले तुम्हें मस्तक पे चंद प्यारा जटा में मेहंदी रंग भरा तुम्हें मस्तक पे चंद भरा गले में सरकों की माला है भक्तों का यह वाला शिव शंकर भोल बड़े कैलाश निवासी शिव शंकर प्रेम साचो सतनाम साखी रतनाम
साखी बड़ी विप्रेम साचो सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रातः कालीन जी वेलाए सतगुरन जे चरण शरण में बैठा हूं। परम पवित्र डी भगवान जो शिवरात्रि जो डी आए सबन के बाबा शिवरात्रि जो लख लख वादायूं वादायूं वड़ी महिमा कई वही आए। ॾिसो भॻवाननि में भेद कोन्हे, भई केरु चए राम वॾो आहे, केरु चवंदो आहे कृष्ण वॾो आहे। ॾिसो जंहिंजो पुराण खणी ॾिसो, अगरि तव्हां शिव पुराण खणी ॾिसो त उन में लिखियलु आहे भई शिव मां सॼी सृष्टि थी आहे। ब्रह्मा विष्णु ॿिया जेके देव निकिता आहिनि सभु भॻवानु शंकर मां निकिता आहिनि। उन सॼी सृष्टि जो पालन ऐं ठाहे बि उन थी। वरी देवी पुराण खणी ॾिसो त उन में वरी देवी जी महिमा आहे, भई सॼो देवी कयो माता कयो आहे सॼो। त उन में असां मुंझी पवंदा आहियूं भई केरु वॾो। ॾिसो जेको जंहिंजो जेको इष्ट आहे उहो उन लाइ वॾो आहे। सतगुरु टेऊंराम महाराज असां प्रेम प्रकाश ई असांजा इष्ट भॻवानु लक्ष्मी नारायण। तव्हां लक्ष्मी नारायण ऐं भॻवान शंकर में कोई भेद कोन्हे। जेको भेद करे त उहो भॻवान खे वणे ई न। प्रेम सां चओ सतनाम साखी। त हिन भोले बाबा जो ॾींहुं मनायूं पिया। उनजी महिमा एतिरी ॿुधी आयासीं ऐं ॿुधल बि आहे कि चोर खे बि जेको चोरी करण आयो, कथा सभिनि जी ॿुधल आहे। अवटरदानी छो चवंदा आहिनि? इन लाइ चवंदा आहिनि भई चोर चोरी करण आयो, कुझु मिली वञे मिली वञे, कुझु न नज़र आयो त घिंड नज़र आयसि, घिंड नज़र आयसि हथ पहुचे न, त छा कई भॻवान जी पिंडी जे मथां ई पेर रखी छॾी। जंहिं पिंडी जे मथां माण्हू लोटी चाणनि, खीर चाणनि, बेलपत्र चाणनि, बेर चाणनि ऐं मथो टेकनि, हू त चोर। उनखे पंहिंजे कम सां कमु हो, तूं भॻवानु हूंदे पंहिंजी जॻहि। मां हिते जेके कम करण आयो आहियां मूंखे हू कमु करणो आहे। ॾिठई हिन पिंडी जे मथां पेर रखंदसि त वञी उन घिंड ताईं पहुचंदसि। जो पिंडी जे मथां पेर रखियई त गड़गड़ आका गर्जना थी, भॻवान निकिरी आयो हुन मां। त ही त दीदी अहिड़ो जो विकराल रूप ॾिठई, गले में मालाऊं त चई, अरे भॻवान ग़लती थी, तूं त नाराज़ थी। त भॻवान चई मां नाराज़ कोन थियसि। माण्हू ईंदा आहिनि, केरु चाढ़ंदो आहे फूल, केरु चाढ़े पत्र, केरु चाढ़े खीर, पर तो त मूंखे मुंहिंजे मथां पंहिंजे पाण खे ई त तो मूंखे अर्पण कई। त मां बि मां त ॾिस मूंखे त दुनिया चवंदी आहे मां आहियां भोलो भालो। ॾिसो परमात्मा ॾाढो दयालू आहे। माता पिता थींदा आहिनि व्यवहार में खणी ॾिसो, पोइ उनखे परमात्मा जे घटाए ॾिसो। भई व्यवहार में ॿार अगरि माउ पीउ खां नंढो ॿार आहे, माता पिता खे ख़बर आहे कि ही छाजे लाइक़ु आहे। हू ॿार अगरि माउ पीउ खां अची घुरे कि मूंखे कार वठी ॾियो त माउ पीउ ॾींदसि न? उन्हनि खे ख़बर आहे कि ही इन जे लाइक़ ई कोन्हे। इहो जिते रुपए जी ज़रूरत आहे उते रुपए बि ॾींदसि, चाहे हज़ार रुपया ॾियो त कोन ॾींदसि। त भॻवान खां असां बि घुरंदा आहियूं त भॻवान खे ख़बर आहे
कि ही केजे लायक आए असा चवंदा नी कि बाबा असा बेन के सब मिले पियो असा के मिले कोन पो ब्या सब सुखी लगा पया असा दुखी लगा पया न बाबा परमात्मा ऊ संत चवंदा राम किसे नहीं मारता पापी नहीं है राम जीव आपे मर जात है कर कर खोटे काम। तब भगवान कदे भी असा भगवान के मथा कदे दोषारोपण न क्यों। सदगुरु महाराज जी सोलह शिक्षा में इंदो जो बनावे ईश्वर तुम उनते राजी रहो। इंजन आप बुद्धि आए से भजन हर हाल में तुम खुशहाल रहो। तो भगवान शंकर अनंत महिमा भगवान जी एतरो दयालु भगवान कि समुंड मां जेडी माल रतन निकता भगवान कुछ कोन खई भगवान खई तो अड़ी शे खई जैसा उनको नालो भेजो नीलकंठ महादेव हलाल विष चंदा उन विष में अड़ी ताकत हुई उन समय की गाल कि वो विष जो विष की अगर एकड़ी बूंद भी पृथ्वी ते किरे तो सजी पृथ्वी खत्म। आई उन भगवान चे बाबा खुशू ता मारो जहर मुखे दियो। सदगुरु स्वामी अरदास स्वामी महाराज भगवान शंकर जो परिवार जो उदाहरण दींदा हुआ पो चवंदा भाई घर में असा सब एक जड़ा पर वरी भी विड़िया पिया भा भा सा विड़ो पिया है पति पत्नी सा बार बारन सा सबन सा भा भेण सा सब विड़िया पिया पान में जबकि सब आयू एक जड़ा पर भगवान शंकर जो परिवार खड़ी दिसो सब उल्टा सीधा सब एक बेजा दुश्मन है। हाँ दिसो तो सदगुरु महाराज समझाइंदा हुआ कि बाबा भगवान शंकर की सवारी केड़ी केड़ी नंदी भगवान भाई नंदी भी भगवान मां निकतो तो दिसो पुराण में कथा इंदी आए कि नंदी जो जन्म भी भगवान मां ही थियो नंदी शर चवंदा उनके उनजो जन्म भी भगवान जे शरीर मां ही वो निकतो। नंदी में भी ढी ताकत हुई एक गरुड़ के अभिमान थियो कि मां भगवान के खड़ी घुमंद भगवान विष्णु के पुराण में कथा इंदी आए तो भगवान विष्णु चयो यो त गलत गाल थी भगवान पांजे भक्तन के ये पतन किरंदे ॾिसी कोन सघंदो आहे क्योंकि इहो आहे नीवो दर दाता जो हिते माण्हू झुकी करे हले छा अहंकार छा जो भगवान चई इन जो सत्यानाश थींदो गरुड़ जो अगर इन खे न सुधारियो त भगवान इन खे मोकिली भाउ कैलाश ते वञ भगवान शंकर खां मिली करे अच तूं तई ची हा साईं इजो आयुसि मुंहिंजे लाइ का वॾी ॻाल्हि हीअं वियसि हीअं आयुसि जो उॾामी करे वियो त भगवान शंकर हो कोन नंदी वेठो त अहंकार त वस न के ची मां भगवान जो वाहन गरुड़ ची हूंदे तूं पंहिंजी जॻहि मां बि नंदी आहियां ॿिन्हिनि जी तूं तूं में थियण लॻी त नंदी बि छा कई ज़ोर सां वात खोली वात खोले त गरुड़ पूरो जो पूरो अंदर वात बंदि करे ची वेठो ॼाण अंदर ॾाढो तोखे अहंकार थी न पंहिंजे मथां जो फड़फड़ाए अंदर एक डी बड़ी टेडी भगवान भगवान त लीला करणी भगवान के गुम आके भगवान आयो पो नंदी के जी बाबा इनके कढ़ीस बैर पो जो बैर निकतो त किरी पियो भगवान जी भगवान तू मुखे उई चई छडिया मां समझी होस मुखे अहंकार तो मुझे अहंकार तोड़ण लाइ सॼी लीला कई त नंदी भी भगवान जो अवतार आहे। ॾिसो त सदगुरु महाराज उहा ॿुधाईंदा हुआ कथा कि भगवान जी सवारी नंदी वरी माता जी सवारी कहिड़ी ॿई पाण में हिक ॿिए जा दुश्मन वरी हा कार्तिक जी सवारी खणो छा कार्तिक जी सवारी छा मोर ऐं भगवान जे शरीर ते छा लॻल हिक ॿिए जा मोर ऐं नांग हाणे वरी गणेश जी सवारी खणो कुओ ई नांग पर कीअं रहिया पिया आहिनि ॾिसो
एक बे सा गड खेलन पिया घुमन पिया कोई इच्छा जो सतगुरु महाराज को समझाईंदा हुआ चंदा छाजो प्रताप या भजन जो प्रताप भोले बाबा उमा कहूं मैं अनुभव अपना भगवान शंकर माता पार्वती की चेपो चतो उमा कहूं मैं मां पांजो अनुभव बुदाई सत हरि भजन जगत सब सपना तो असा के भी उन भगवान जी शिवरात्रि जो दिया भगवान का यह ही प्रार्थना कयूं बया संसार जा पदार्थ इंदा वेंदा पर एक वो भगवान मिली वे असा के असा भी उन भगवान के असा के भी इंतजार है कि मिले असा का असा के भी मिले अची करे ओ मुझा मुई ब मिठा मन थार कदे मुसा मिलन इंदे ओ मुझा मुई ब जगद
अजात निर्मल रक्तपान प्रीत राम महात्मा मंडल पहले शरीर इंद्रन के सवाधान करें और एक जीव हर एक मनस पहले मन के पान सुधारे पान समझाए ये दास तारीख ही क्यों दुआ साझे करे प्रेम से चले रहा तारीख ही चुनाई ना तेरी करी साझे करे जेको ना तुम समझे तो जाने तो उन्हें के समझा दादो दुख ये मन जाने तो समझे तो पाप के पुण्य के धर्म के अधर्म के सच के दुख के जाने तो न इनने के समझाओ दाते दुख के इतनी आजाद जो यही भक्ति करनी है मन के पवित्र करनी है मन के शुद्ध करनो है मन इंद्रिय पांजे रक्षण करनी है सब शास्त्र महात्मा गुरु के वचन में भगवंत के नाम में मन के विश्वास निश्चय बधाएं पूर्ण यही भक्ति करनी है असा बवारी पंक्ति करनी चाहूं बवारी पंक्ति पांजे मन के विश्वास बंधाएं तेरी पान वो सब शास्त्र अचल विश्वास बनाएगा हाँ तो और राम जपो
बोलो सियावर राम चंद्र। हे मुर्दा मन गद्य हाथी जी कथा बुद्धि चल रहा नाराजी पुकारी भगवान के अखन मां जला दई तुझी मनो आ पुकार कर तू अना निराश कोन थो आ पुकार कोने हो रुवण दियो रुवण दियो कल कथा बुधाई न घड़ी भन्नर वारी घड़ी भन्नर वारी उभी उभी सारीन सदन जे सारीन से चिकण में पधरियूं मायो चल रहा क्या तो कंदियों सिंध में तो थोड़ो राज आहे पंजाब में घणो आहे सभु उथी पाण में क्या तो कंदी फिरंदी चिटींदियूं आहिनि चंदे में घर जो माण्हू मोह हूंदो पधरी हूंदो प्रेम से तोरे घड़ी भन अची सिया तो कन बेहूं हथ हणंद रूटियूं रोअण वारियूं बेहूं पई कनूं हाल बाक़ी जंहिंजे घर मोह हूंदो छाती चाही कई इहो हथ हण पियो माना हाल कंदी उहो रोअण ॾियो हे मोजा मन तोखे बि मोह रूपी ग्राह मोह रूपी वाग्य संसार रूपी जमुना में छिके रहियो आहे भोगन पाप कर्मन में संसार रूपी जमुना में छिके रहियो आहे सरोवर में तूं वैशाखी वांगुरु घणी थी थो ॿाहिरि निकिरां मोक्ष जे मैदान ते चढ़ां पर इहो मोह रूपी वागू किथे थो छॾे वॾो बलवान आहे अहिड़ो बलवान आहे मोह रूपी वागू के अर्जुन खे रे ही रखे हिन भूमिअ में तकड़ी अर्जुन छॾाए किन सघो रोई वञे हथियार छुटी विया जय राम या गीता भगवंती किन कर्म ते बणाई आहे किन धर्म ते बणाई आहे किन ज्ञान ते बणाई आहे किन प्रेम ते घणियूं टीकाऊं कयूं अथनि पर वास्तव में गीता आहे मोह ते ठहियल अर्जुन खे मोह रूपी ग्राह पकड़ियो वाॻियो हे माजामन तूं बि जॾहिं निराश थी पुकार कंदे परे परिपूर्ण परमात्मा अंतरयामी अनंत रूप धारे के महात्मा गुरुअ जे रूप में थी हिन मोह रूपी वाॻूअ खे आत्मज्ञान जे बाण खे मारे तोखे आज़ाद कंदो तुंहिंजी जय जयकार थींदी हिन लोक परलोक धर्मराज जे अॻियां निश्च विश्वास जहिड़ो नचकेता विश्वास रखियो आहे जो यमराज खे थिए थो भॻवान मूंखे आत्मज्ञान जो वर ॾे यमराज थिए थो इहा ॻाल्हि दुखी आहे देवत घबराइजी विया सूखम आहे के कन था के चढ़िया के समुझनि नथा के समुझनि था रे त मञनि नथा त इहा ॻाल्हि हीअं कीअं हूंदी त वरे राम पूरकदारथ जितने चाहिए उतने तुमको देता हूं मगर ज्ञान का वही यह भी सब सब तक तुमको लेता हूं अचकेता मेरा जेतरा तोखे पदार्थ खपन मन सत घुई मुखा वठ इहो वरी मूंखे वरी वापसि ॾे ज्ञान इहो मूंखां न पुछ एतिरो कथा जो प्रसंग काल थी आयो आहे अॼोके प्रसंग में यजुर्वेद जे कठो उपनिषद जे अंदरि सतगुरु महाराज चवनि था हे जिज्ञासो गुरुमुखो में मूर्खो जॾहिं एतिरो यमराज चवणु लॻो सरोवर लचके तायम को कभी कान लगे तरजोड़े लचके तायम को कभी कान लगे आप कहते हो उसी विषय में देवन को संदेह हुआ यह सुन आत्म अब मेरा यह सुन आत्म में अब मेरा
और अधिक स्नेह हुआ। ये भी तुमने कह समझाया कथन इसी को पाना है, विरागी तो उस देखन तबाना तुम को कज कर ऐसा वर मैं पूरत सी से पाऊंगा, सारी दुनिया खोज खोज का जन्म कमाऊंगा। धर्मराज जब चलो मैं चुकेता नो वारा के छद आत्म ज्ञान दे रहे तो ये जीव मरी करे के ना तो बने उनकी उसे केड़ी गति थी कि आई था यो छद वर नचकेता यम को तभी कहने लगे कर दौड़ नचकेता हथ जोड़े यमराज के कहने लगे हे भगवान घर मेरा आप कहता हो इसी विषय में देवन को संदेह हुआ ताए कहो था पहले काल में देवन के भी संशोधि थे तो ये अलग इच्छा है। यह सुन आत्म में अब मेरा और अधिक स्नेह हुआ योग भी मुख पर अधिक स्नेह में चो सिवाय तभी हा का बिना गांध का है चौरी गांध तुम्हें गाल के समझित के का गांध आए जो देवत की न समझी सका अरे तो भी कही थो यह भी तुमने कह समझाया कथन इसी को पाना है तमाम कथन पाना है तो सुगम गाल का नहीं कथन पाणी है वैरागी तो इसे देख ले तो जग में फरक देवाना है। वैरागी जिज्ञासी मनोखी मस्तकी घुमल था आत्मदेव दर्शन ला के पहाड़ के कंदराम बेठान के जंगल में के नंदे किनारे पे बैठा चौरी हे महाराज मुख्य दबड़ ठीक है नो था तो आज आने जरूर मुख्य बुधनी है अगर तुमको तज कर ऐसा अगर मैं औरत सी से पाऊंगा या गाल छे तो खे वरी माँ के खेतवा केर मुख्य बुधाएंगे सारी दुनिया खोज खोज के दरखा जन्म गवाऊंगा सारी दुनिया के अंदर घटकन सुखीर मुखे गाल बुधाएंगे बुधाई दू तुम वेदांत की गाल ज्ञान की कथन गाल है हो जो जन्म के बंधन हरे सो साधु कोई एक क्रिया कर्म जोड़ने के जन समर्थ अनेक ये नीति शास्त्र के जो महात्मा के जा बंधन तोड़े मोह जा आशा जा मान जा ईर्खा जा क्रोध जा चरिरा बंधन तोड़े कोई महात्मा को करवा बाकी क्रिया कर्म जोड़ने वास्ते अनंत समर्थ है कि ये तरह दादर कर कुख भव में तत्पर ना गयने समरक धर्म धर्म में सपना बेदर मुझे बेदर कहो मेंढक कहो दादर कहो बेंद कुली कहो चौरिया उन्हें भी खाने में ना गठोड़ है समर्थ पर धरती उठाने में शेष नाग रुकवा तू उधर भरण में तत्पर भय देखी संत अनंत जगत जलंग के तरंग में महात्मा पांजे स्वार्थ सुखवासे लालच लोभवासे चरे राम अनंत है पर संसार सागर के कारण वास्ते कोई कोई महात्मा है निष्कामी नरमानी अभेदी नरपक्ष
कोई कोई महात्मा है। शैले शैले न माणके मुखता कहूं न गजे गजे सज्जन नहीं सर्वत्र चंदन कहूं न बने बने। सजनी बनन में चंदन कोने, सभिनी जंगल में बेदन में शेर कोने, सभिनी पहाड़न में माणक न थींदा आहिनि चौरेरा, सभिनी शहरन में महात्मा न थींदा आहिनि किथे किथे कथन चौरेरा। हे मौजा मन महात्मा जो संग करे अभेदी महात्मा नरक थिए मज़ा दी अभेद दवा दिए जो न भे दवा दिए जो मज़ह दिए जो चौरेरा मज़ह दिए जो भे दवा दिए जो संग अड़ो है भयंकर जो जगह के साक्षात में आत्मा जो थे तो वही ना सुधरी सजो खंडन मंडन घड़े हैं खंडन कर तो भगवान के भी खंडन करे मंडन कर तो तुच्छ के भी मंडन करे खड़े करो कर प्रेम से बोलो रही ए मौजा मन विश्वास में सो कर ये सदा शिव पार्वती से सही रहो आए पार्वती विश्वास में सो कर चेहरे में सो कर हरी ओ अमर आत्मा धरि अमृत हरि पार्वती आत्मा सत्य का आनंद रूपा है अमरा है अविनाशी है ये शरीर नासी आए जैसे भी शमशान में जली वो मिट्टी थी वो प्रेम से बोलो एतरो तुम्हें कथा जो प्रसंग करे आए आत्म दृष्टा देह दृष्टि है आत्म दृष्टा है देह दृष्टि आए देह जो दृष्टा है साखी चेतन सुञाण वारो ये देह अलग है आत्मा का जागृत सपने शिशो पतने जिन्हीं के जाने थो केर तो जाने बुद्धि पर जो बुद्धिय के भी जाने थो बुद्धिय थे चौरी राम वो जाने थो उन्हें के बुद्धि जाने थी ये मेला पर जेकी दुनिया से दिसो था न
मेला पजो सजो रंग फैदा आत्मा अविनाशी ने में क्रिया का नहीं शरीर जड़ है ये मेला पर सजो कम मेला पजो वो जैसे पेट कजे जैसे प्रेमी बिठाए प्रेम से बोला रे ऐसे आरती कंदा सही हूँ आरती कारकतन जी गुरु महाराज ग्रंथ जी ए गुरु नानक साहब के ग्रंथ साहब जी तो आरती उठाए खड़ी दान छाजे कर एक आरती खड़ी कदे टी दा तो कीन विश्वामी वी जा जैसे वेठा छाजे कर कि हूं ग्रंथता कई तो आ झूठी थी पी तो जैसे तेरे शंका तो लिखी हो सुबह कुछ जो सा कंखे भी शंका हो जिज्ञासो भाव से अच्छा झूठी थी पई बे ग्रंथता न कदे झूठी थी पई या झूठी कई स्वामी कारकत की कथा झूठी हुई या आरती झूठी हुई झूठी कई कई संबंध सबंध ही सजो सबंध आए शरीर आत्मा जो सबंध आए शरीर शरीर साखी चेतन बुद्धि जो सबंध आए पान बुद्धि साखी चेतन के दिसे थी साखी चेतन बुद्धि के दिसे तो बिन्ही जो सबंध आए देखण कवादन जो मता वो दतन थी से चुंदा बुद्धि भगवान आए व्यवहार जो ज्ञान परमार्थ जो बुद्धि के अधीन आए प्रेम से बोलो रे ओ अगम अगोचर अगम अगोचर रूप तुम्हारा तू जो स्वरूप है उन्हें जो सुना जे न सुना दे तो अंत काल तो के रोणो कुंद तमें कुछ न कहो मन से चोले अंत काल रोणो कुंद रोणो सभी के कुंद साहब चंता सहसर दान पे इंद्र रो आया तरसरा मेरे ही घर आया अजय सुरो दिखा खाए ऐसी दरगाह मिली सजा राम काला भैया लक्ष्मण कृष्ण गया करो रे लंक रो जन्म चाहे खो गया एक कारण पापी भया रोवे तांडव भय मजूर जनके स्वामी रह दूर रोए शेख मशायक पीर अंत काल मत नाही अधीर अंत काल मत नाही अंत काल जे वास्ते ओ तो के रोणो कोंदो जो पाण के न सुञाण तो रोणो कोंदो पाण के सुञाण तो मां आया केर त रोंदे ई नहीं तो रोअण का छुटी वही न तो रोअण सुंदो या किथे कथा छी सुन याद अथ केतरी परे आयूं केतिरे मिन चयो त भई शुरू कयूं अथऊं किथे छॾी थो काल काल कान थियो ॾींहुं राजा जनम जे रनू चोरे राम एक कारण पापी भया स्त्रीअ जे करे अथवा हाथी आकाश में थी इहा ॻाल्हि पूरी आहे यादि करे रो पांडव भय मजूर बालो मर्दानू चौंता भगवान पांडव वीर में किए रू चौरे राम ये मजूरी कर साध चौंता जे वक्त जुआ में युद्धेश्वर महाराज सरवंश हारायो पछाड़ियो रूप तारखी दावन जेके भाई माई जुआ में कज जू प्रसंगत धर्मतात अत जतत सही बन मास संगे कभूख भयो बगदियो शराप मुन यादव नंदन नाथ भय मंद पान करो जब क्रीत कते शत भ्रात काम कर नाश भय सब मृगया कर परी कत हते चोरी करी शिव भूत हते पुन पर नारी की प्रीत कर शीश दिए दस लंक पत्र जो पसंग ते धर्मतात धन के जुआ की आदत थी शराब पीण की आदत ये खराब आदतों बिल्कुल कदें भी जुआ न जो कहीं जुआ तो जीत ही मुआ
जुआन घना चुंदा इन सत इंदी आए तो भाई माई भाई भी चुंदा अज थदड़ी भी आया न मैनू कत्ते के पास सत गला सुगुण का कर माई जिंद देन अज सत्या दे दिया पास सत गला पास सत ला पे धारे मिले जा कर मना शंका से सुखो सका पुछ दे मोको आन समय मोके समय जो दान पाप पुण्य ये तो फले जे सभा में ध्रुव पता जाती रखले चूड़ाला राजा शुक्र जी कथा दादी सुंदर आए अगे फिर कहे करे गए बाहर रखियो ने सही गुरु महाराज छत जी छतलो तो नहीं चूड़ाला जे भी हे राजन जरे मंदराचल बन में पहुंचिया राजा के विश्वास बंधाए आए निश्चो बधाए रही है ये भी हे राजन जो ही पूजने योग्य हो तिस नर आदर करते हैं वो जन सुख कौन नहीं पावत तेरी वो मरते जो पूजने योग है ये घर में बच्चन के वास्ते माता पिता वड़ा पूजने योग हैं स्त्री के वास्ते पति देव ससुर सहुरो वड़ा पूजने योग हैं संत महात्म ऋषि मुनि ग्रंथ शास्त्र पूजने योग हैं देव देवताओं देवियों पूजने योग उनका दिन है पूजने योग हैं उन्हें मत जो निश्चित कर्म न करे तो वो पुण्य नाश ले कभी भी सत्य में जुआ न करें बासी रोटी न खाएं चौड़ा शीतला की पूजा करे देवी जी क्या कहो देवी जी शीतला की पूजा करे सत्संग करे पाठ करे हवन करे जुआ न अंत में बारह भरे वनवास मिलो पांडवन के तो दस्तावेज लिखो तो तेरे साल गुप्त थी रहा अस मू छीस जे किथे लाओ तो वरी बारह साल ते वनवास मिल हारा जी जो वसन जो थे दस्तावेज लिखी पांडव हलिया बनन तेरे घर रोंदा रोंदा रहा अंत में बारह साल वनवास भोगियों पहाड़न में दुखू अन्य तकलीफू तेरे साल विचार के गुप्त रहूं किथे रहूं राजा वैरात के राज में आया राजा वैरात वी मजूरी कयूं ध्रुव पता बानी थी दिखी घर में बासण मले बुहारी दे राणन जो सिंधी शर्मा ठाए जय राम जैसे अनंत पूजा कन वह बानी थी झाड़ू दियण लगी जय राम इतने जो कम जुआ जो धीम सेन रसोई थे लगो अर्चन नृत्य शाला चढ़ाने लगो अड़ी तरह युद्धेश्वर महाराज राजा वैरात से सलाह सूझे अड़ी तरह सभी को घोड़न के मजूरी में को किथे को किथे दी रहा नाला बदलाए क्या प्रेम से कमाई मजूरी कन एक प्रभु की लीला एकड़ो क्रीचक राजा वैरात जो सालो सौ साल हुआ क्रीचक सौ साल हुआ क्रीचक राजा वैरात जा सौ साल एकड़ो क्रीचक उन्हें भी ध्रुव पता पे नजर चारिया बद नजर बद दृष्टि थी पे ध्रुव पता के चारिया को जो कहीं ध्रुव पता को खबरदार मुझा पंज देवताओं उन्होंने के खबर पी तो तुखे मार थी पंज देवताओं छा कदा तो ये चूंदी 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 आखिर अड़ो ध्रुव पता के पंज कई जो रात जो ध्रुव पता रोई जो दर्शन के चो भीम सेन के चो सभी गड थी वेठा पांडव पंजई पांडव ध्रुव पता रात जो बारह एक एक बजे उते रखियो प्रोग्राम रखी सजी ध्रुव पता गाल करे पांडवन के बुधाई तो ये गाल आए ओ बिमाल पंजई पांडव रोण लगे जो जाहिर का थियो सही तो वरी बारह वे दम मिल जो चुप पा करूं तो लज पत करूं रोए पांडव भाई मजूर
जिन के स्वामी रहत हजूर स्वामी कृष्ण भगवान जिनके मथा हथ उमर कर कथा तो वी आई आखिर भी नशे नशे चंगी तू ने की कट यारहे बजे पूरे नृत्य शाला से यार जिन तारी आए उन्हें मां वेखी हूं जैसे तू यारहे दर दई तू अची यारहे बजे अचे मूं वटि उनखे चई छॾ चई दुरुस्ता हुनखे चई छॾियो चवे राम चई चव इहे चई त तूं पंहिंजे हली चाहे थो मां ताणे सम्झंदुसि चवे राम छा थियो क्रीतक खे चओ दुरुस्ता चयूं घणा बि तोखा वठी सतायो आहे असां त तव्हांजा मज़ूर आहियूं पर चयूं यारहें बजे पूरे नृत्य शाला जो तयार कनि तारींदो आहे सुबुह ते छा पियो वापार शाला बंदि थी वेंदी आहे को बि माण्हू कोन हूंदो आहे मां अंदरि वेठी हुजे तूं अचिजा ऐं मां तोखे दर लाहींदुसि ॾाढो ख़ुशि थो थी कनि होॾां ॾहें साढे ॾहें बजे बि मूंखे साड़ी ॿधी चवे राम साड़ी ॿधी वञी पार शाला में अंदरि वेही रहियो दर ॾेई यारहें बजे आयो किरी चकु चई दर लाहे धूम से नथी दर लाथो श्रंगार कई सिंधी बि रोक ॾेई चवे राम पेशा मूंखे जाते वेह मूंखे जाते वेठो धूम से न दर ॾेई ऐं गिटीअ खां वठी पकिड़े थंभ मथे खणी वेह सारे छॾी अहिड़ो त बलवान हो राजा जा सौ साल पिया हुते भई मूंखे न छा कयो देगड़नि जी कार खे मथे सॼे बुत खे जहिड़ो भूत थी वार छोड़े लांगो थिए थो भॻो पोइ अची शमशान जे अंदरि घिरी दरवाज़ो बंदि करे ऐं लिकी बि रहे ऐं जेॾी महिल तव्हां ॾिनो ओॾी महिल दुर पताए खणी सभई क्रीत खे जलाए छॾियो मारे करे क्रीत कथे शत भ्रात काम कर नास भए सभु चवे राम जेके प्रेमी वेठा साध कयूं था उते पांडवर ॾिनो आहे भई मज़ूर दिल ते सामी रहत थी रे शेख मशाए कतीर शेखन कीअं रिनूं शेख कहिड़े रिनूं के फरीद सागर चवे राम कीअं जॾहिं तमामु योग तप कई दर्शन न थियो इहे शास्त्र कनि था त कांग वेझा आया तॾहिं कांगनि खे चवण लॻो मां भॻवान जो दर्शन करियां पोइ भली खाई वञो हुते रनो आहे पोइ किन प्रेम में रनो आहे किन दुख से रनो आहे किन मर्दाता जे करे रनो आहे पर रनो सभिनी आहे शेख मशाए कतीर सही बि न रनो आहे शाल पी बि रनो आहे जॾहिं लय में बंदि थियो आहे करे राम तॾहिं रनो आहे आयाल महात्मा संन्यास जो संग कयो आहे शाल पी बि अॼुकल्ह असांजा हिंदू जाती उनखे धर्म विद्या आहे कान करे राम यादि कजो जेके प्रेमी वेठा आहे जिन पातो आहे असांजे हिंदू धर्म मां पातो आहे अॼु असांजो हिंदू धर्म छा था सम्झनि के दिन घटि में घटि नीचनि ते नीच आहे सभिनी हिंदू धर्म मां पातो आहे प्रेम से बोलो हरे शाल पी बि गुजरान पुलीअ जो चेलो हो सन्यासी गुजरान पुरे कंदे आदम जे भरां हुनजो आश्रम हुनजो चेलो असां नंढा हूंदासीं ऐं असांजो पिता ॻाल्हि कंदे हुनजे घर में शादी थींदी हुई या को पुटु ॼमंदो त सभई हुते वेंदा पीर सैद हुते वञी पखरू बखरू चाढ़े पेरे भेटा ॾेई पवंदा घर पोइ त मज़ो थी वियो ऐं गुजरान पुरी अची शाद में वठी वेहंदो उहो छा कंदो धूणी जॻाए वेंदो गुजरान पुरी हींअर बि धूणी आहे जेके ॾिठी हुजे किन उते गुजरान पुरीअ में धूणी उहा धूणी जॻाए वेहंदो छा अॼु ताईं ॾींहं ताईं धूणी आहे छा कंदा आहिनि ख़बर ऐं कल जो काठियूं मद करे पोइ सोमवार चवे राम जुमे जुमे जे ॾींहुं साए साए जुमे जे ॾींहुं महीने में हिकिड़ो वारी उनखे नाना ॾिनी पोइ फिरंदा आहिनि हुन धूणीअ ते फिरंदा ओम ओम अलाहू अलाहू करे फिरंदा असांजो जनम आहे न शाल पी बजे ॻोठ जो जनम उहा धूणी अञा ताईं आहे मखात खणी लाहींदा आहिनि गुजरान पुरीअ जी धूणी जिन पातो आहे असांजे हिंदू धर्म मां पातो आहे प्रिंसिपल वारे उन शाल पी करे अची चयो सन्यासी साईं तव्हां छो था रहो हरी
तीरो सदता तुम तीरानी छो के कहती है आश्रियन से मता कतर तैन को तो लगा तू तरक्की नहीं छोते रही शादल के छोते रही सीमा भगवान से मिलिया मता माया जो कतर पैदी वने के माया का थोड़ी गाल का नहीं या माया की गाल घणो कर सुधार खोलींदा अथनि गुरु माया के माया कदी है चरे हाँ माया का भिजते जेके भाई माई रखा है ये माया दादी पर बला उन्हें करे हुए कि महाराज उत्ते गुरु वणु अच्छा के रोणु आई उत्ते आई तो रोवणु न तो जन्म ताई रोंदे रहे भले ब्रह्म ज्ञान थी वने जेने तुझे तो हाँ बस बस तो माया कंधा बराने हाँ मुखी गाला दादी और कंधे साहब से हुए हद चले सबको बेहद चले मतो बेहद के मैदान में खड़ा कंबीरा रोय साधक लगा डाला मर्दाना शेखल तीर नहीं रही रोए राजे कन्न फड़ाए गोपी कन्न भरकरी आज जड़ोंडा कन्न कीरियो कुमार राजाओं कन्न चीरियो तो देखने मा पानी आया गोपी कंद वो राणन मत दिख्या करण राणन रनु गोपी कंद प्रोई ये सदनु प्रेम से चोरीरा हे मोजा मन रोड़ खा जे छुटी तो पांजे नच सरू सके सुजान आत्मा के सुनार तो रोड़ खा छुटी न तो रोवन तुम तो अनंत जन्म मन मरुवन दो रांदे आत्मा के सुनार कि महाराज वो आए किथे कि सदा सोचे तो वो आत्मा ब्रह्म सतरूप ब्रह्म नालो आहे व्यापक जो आत्मा नालो आहे पंहिंजे पाण जो व्यस्ती ब्रह्म माना समयती पंहिंजे पाण में सत आहे बंध मोख ते असंग आहे पंज तत प्रकृति माया में रहे थो पूर्ण के सतर सुको न थो थिए यतमान नन चरे राम जीअं कवल फूल जल में रहंदो आहे उहे रहे थो चरे राम तत्व परमात्म ज्ञान मान पीअनि था जीअं था रहनि कवल सीत जल जुदा दसे मण जूं अहिल खमाई बड़ा अनलक नदी गदार मद भी जो नाई दर्पण माह कटबंद सुन सदई घट न्यारी लोई रंगे न सूत देख अतुर दिवे भारी अठारह बार यज्ञ कर सूर सलन में दे जुदा रज बती साधु संगते मिले अमल पाया मुदा ये ब्रह्म ज्ञानी भगवान है करूपन क्या जरूर ब्रह्म ज्ञानी भगवान है करूपन देखिए तारन जी कंवल जल में रहे जेतरो जल चढ़ंदो कंवल बुधंदो की न कंवल सीत छिटी रहे खारे समुद्र में पर जल पीए को न प्रसाद जो पीए पीए न खारे सागर में संत महात्मा रहन का छिटी रांगर
प्रविषयन भोगन पात जो पाणी न बरसात जो वेद शास्त्र ग्रंथन जो सच सच जो पाणी पीअन खां प्रेम जो पाणी पीअन खां भगवान लत नदी मरजूं ऐं मुख माही ऐं नालो आहे सर्प जो सर्प चओ ऐं चओ भुजंग चओ नांग चओ उन में मणी रहंदी आहे वासी नांग में ज़हर थी रहंदो आहे मुख में पर उन मणीअ खे सतर जेको न कंदो आहे मणी पाण कंहिंखे नांग खाए त मणी खणी रखे त उहो ज़हर थी वञे सतर न कंदो आहे तरह तरह मां आत्मो संसार रुपी रहनि था विषयनि भोगनि ज़हरनि पर मणीअ वांगुरु लिहारा आहिनि भॻवान लत नदी जबार मद बीजे नाई भॻवान अग्नि सागर में रहे थी पर सागर हुन खे विछाए नथो सघे पाण सागर खे पी वेंदी आहे बीज बीज माना बिजली खिणण खिणण चओ बीज चओ बिजली चओ विज चओ बादलनि में चिमकंदी आहे बरसात बि पवंदी आहे पर जीअं ज़ोर से दामनी बिजली चिमकंदी आहे बरसात ज़ोर से पवंदी आहे की बिजली ज़ोर से चिमकंदी आहे उहो पाणी हुन खे विसाए सघंदो बिजली खेण खे विसाए सघंदो आहे बाहि पर विसाए नथो सघे ऐं जेतिरा महात्मू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार रूपी बाहि में अथवा संसार रूपी जल में उहो चिमका हूंदो ज्ञान चिमका ॾेई रहियो आहे विसाए नथो सघे दर्पण मां हिकु सर्पबंब जीअं आरसीअ में सर्पबंब अकस पाछूलो ॾिसण में अचे थो अंदर उहो आहे ॿधल आहे आरसी में फाथल आहे छा न अलॻि आहे सुन सभई घटि निहारी आकाश सभिनी घटनि में आहे पर निहारो आहे का चाहे किरी पुॼ त कया आकाश चई वेंदो छा लोई रंगे न सूत देख अचुर थिए भारी उन जी लोई तूं हिन सुत जी का तंत हूंदी था रहंदा त सॼे लोईअ ते रंग चढ़ी वेंदो पर सुत जी तंद आहे तबरी बि पवंदी हीअ सुत जी तंद आहे हुन ते जीअं जो चवंदो ई रंग चवंदो ई हीअ संसार रूपी रंग विषयन भोगन जो अज्ञानी जीवन ते चढ़ी वञे थो जेके महात्मा तत्व वतान ते नथो चढ़ी सघे उहो सुत जे तंद वांगुरु प्रेम से बोलो सूर सगल लेटे जुदा सूरज पाणीअ खे खणी वञे मथे बाफ करे तपस वरी वसाए वरी खणी वञे मथे पोइ सूरज फाथल संसार में भॻवान संत महात्मू रहनि था पांच तू प्रकृति सारी पर्स सके नहीं ताईं एको रूप अनूप जंहिंजी उपमा नथी कई वञे वेद गति नहीं जानी वेद भी कथे कथे चुप थी वञे थो अॻिते हली नथो सघे निर्माण त थी वञे थो प्रेम से बोलो रे राम वो जो साखी आ न वो साखी विलीन थी वञे थो एक घर तो घर तीन घर चार घर पांचा घर पंचा घर पचे तब छठा घर पाई है एक एक घर के आधार एक एक घर एक घर निराधार आते दिखाइए छो तो घर साखी रूप घर घर में अनूप तां घर मंदिर कोई दुन न ठहराइए तां आगे साखी न असाखी सुंदर कछू वचन अतीत कहूं आए नहीं जाइए उते पहुचनि था मां जॾहिं साखी बि गुम आहे वेद बि गुम शास्त्र बि गुम प्रेम से बोलो रहा Thank you.
गाथा सुनते सुनते पार्वती को आ गई नंदरानी। पार्वती सुनी रही हो कर कर बीतम तोते सुनने ही सब ताई। तो पालने में घोसले में देखो पार्वती हो कर रही सुनी की नंद तोते को गारो शुरू। तो हाथ कर ये तो मैं ना बाग में मानो नागुर गाला तो तन के तारी नाल मानो नागुर गाला 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 अथवा हूँ ही तो गाला तो हंगारे को शुरू। ये मरम लखा ना महादेव था मस्त मौज के माही। ये मरम महादेव खबर बात बार के पार्वति हो पे करे जी जी पे करे उन्हें ये समझे तो जी खबर कान पुलिस जब ही संगे साधे संगे जो शुमार को थोड़ो थोड़ो प्रभात फुटी कथा पूरी थी। सदा से नेत्र खोले थे तो पार्वती कथा बुद्धि अजा न्याय कही तो निंद दिया और कथा बुद्धि के प्रभु मुख तो निंद दी के भीमाल के तोन के तो अमर आत्मा देह अन्न तो है आत्म रूप तुम्हारा यह गाले भी समझन से कि नहीं अरे थकावट तो हुई उदी माल मां सुनी रही क्यों हो तो एक बजे जो शुमार हो बारह बजे कथा शुरू कयो में एक बजे जो शुमार हो कलाक तू ही पंज कलाक चार कलाक चार साढ़ा चार कलाक हूँ जी जी कह कयो कि मुखे खबर कन तुम लोग हो ये तो छा कयो ही की हो हे रारा नियारी छाद से चढ़ेगा गुरु महाराज चल लगा होते अमरनाथ है तीर सरे छाद से सदाशु हरी कहे के सुख गाथा गाथा सुन ली वो मारा चल गा तो पे कथा सुनी वेद संभू ये पाया सदा को दिखो भारत का ने तो तुर जीव बिठुआ आलने में आलने में आखिर में बिठा तो दे निहारी विचार क्यों तो हम हूँ जी जी न तो पे कहवा कर समझी तोते को पद मार में लिए दंडा ने उठाया बंदो खड़ी भगर भंगर करने जो बंदो जो रखे वो खड़ी तोते के चल गए डाकू चोर खबरदार तो अमर पता तो मुझे बुधिया हूँ जी जी कहे भाई भी है अन्ना जो अरे तो आलने माँ उदारी खाई आपस मंडल में क्यों शुभो हम शुको हम
शुको हम अज्ञातो तो कुछ सदाशिव कुछ पार्वती भगा सदा सुनो दीव खैर जल्दी खबर पे या चोर पिछड़ा वे हलंदे हलंदे पंजे सत महीने का सिर्फ वजी ही लीला वेत व्यास महाराज पपन शत्र जी ब्रह्मसूत्र जी कथा कर रहे हैं वेदांत जी सभा लगी पी है तो तू तो वही पहुंचो चौरे राम कोई पूरा वो खुल लो होते जो तू तो जो खुले विचार की सदा शिवान जी ने जो किया कि मना जो सूखम रूप धारण करके अमर कथा के बल से सूखम रूप धारण करके वे दव्यास महाराज जी स्त्री जावे थी न उनके पेट न ले जब पेट न ले वो अरे सदा शिवाय बंदो खड़ी चलो वो महाराज कथा बंद करो अजा बंद कहीं खड़ी दिसन सदा शिव वे दव्यास महाराज थी तो खड़ो ये सदा शिवाय है हा तो जोड़े प्रभु अचे वो चई वो न चोर के कद बहर डाकू आयो है कदी दुबार ती किथी आए कि तुझे स्त्री के पेट में आए कद न तो बंदो हो बई सतनाम साखी तो मरी वो तुझी स्त्री बई सतनाम साखी कदी दुबार ती प्रभु गाल बुधाया ये कि सजी गाल नार दखा थी बुधाई से याद ना नार दखा थी सजी हकीकत बुधाए जे छे कई पर व्यास महाराज खिली थे तो भगवान ये अमर कथाओं तो घड़े महात्मा बुधाई न पा मां तो अमर कथा कर रहे हैं नज तत्व वेदांत जी तो बुधाई तो छा थो अमर कथा कर बुधाई को लगो बाप बुधा तो बुधाई तो छा थो पर सदा से लगो चुप कर तहजी कथा संतन को मुझे कथा जड़ी है छा पर व्यास महाराज से लगो तहजी कथा कड़ी है प्रभु कि मुझी कथा अड़ी है जो धन को अमर थी वो वरी मरन दो की ना कैसे नीलो कन में ताकत कान दू न के मारे सके अड़ी मुझी अमर कथा है कि प्रभु सची का गाल करो कि हा जो मुझा सुन तो पे कि सची तो पे तो अमर कथा भी दिया तो मरन दो तू पान से देखो मुझी अमर कथा भी धंदो तो मरन दो को तो मारी दे मरन दो कि मरन दो तो कोना तू मर दो तो कौन हो तुझे दास चाहे तुझे दास चाहे खड़ी छड़ी से व्यास वचन सुन तोते को तब चले शंभू शैलानी शंभू सदाशिव तो शैलानी हो पार्वती तो वी सुथो रहो कैलाश ते चौरे राम पुराण चुनता 12 साल वो तोतो माता के उदर में रहे हैं एक व्यास महाराज चे तो है पुत्र तू जन्म वठ तो मां दर्शन तो पुत्र जो करियां दर्शन तो करें चल गो न बाबा हली न सगा दंद टुटी वा थोड़ो बीमार थी कुछ मुखे कदी चिरी घर का बहर मां जंगल में चौरी रहा किसे गाह मिले तो खा न तो भुख मरा पानी मिले तो पिया न तो पी को सगा किथे किरी पुआ मुझे पुठी में फटती पा कान कची मुखे ठूंगण लगा मां भजा तो तीय कांग मुखे डोड़ा न छो कांग मना कांग जो न पखन में अड़ो पो को कांग तमाम लुटे ढो थी कांग कांग डोड़ाई नी भी मुखे उन लगी कांगन डोड़ाए उन लगी तो अगर नंदी दिखे में थोड़ी गप हुई थोड़ी वल सुपाणी पीण थोड़ो अग पे लुटो तो हुआ दल दल धुपण उन्होंने फांसी थे वी जो जोर दिनों में तो हलो वेस जंगू हली वो पेट चौकी लगो गप से जोर कदम ओडी माल कांग की ठूंगे 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 मुखे उत मारे थी पिता मु ॾाढा दुख था ये प्रभु की माया है नी स्त्री सभी दुख पाते आए चरे राम सभी रनू आए एतरा जन्म जो कथाओं बुधाए 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 आकर चुपती उतने वेद व्यास महाराज चल लगे पुत्र तू आज्ञा तो न मनी दे आज्ञा मन तू जन्म तो मां दर्शन तो करिया पिता गाल सती है तो जो नीति शास्त्र धर्म शास्त्र क्यों था हरी
मैं जो धर्म है पुत्र जो माता पिता की आज्ञा में रह स्त्री जो धर्म है तेजे पति देने की आज्ञा कदे भी उल्लंघन न करें। प्रेम से बोलो रहा शिष्य जो धर्म है गुरु की आज्ञा उल्लंघन न करें। उल्लंघन कई उनके उद्धार कठिन थियण ये गाल सूखन है दादी दादी कठिन है जैसी वार्ता अगते हलंदी यमराज परीखा वी रहे नचकेता जी इन तरीका के अंदर हलंदी ॾाढी कठिन गाल है कुछ हली कान्हे पर इन गाल खां सवाइ उधार कीन थींदो जनो मुंहिंजो फेरो कीन मिटंदो चढ़ा कठिन गाल आहे यमराज थिए थो हे नचकेता इहे ॻाल्हि ॾुखी आहे ॾाढी छॾे ॾे नचकेता चयो प्रभु तोखे छॾे ॾे मां कंहिंसां पुछां सॼो जनम पुछंदो रहो त पोइ इहा ॻाल्हि केरु ॿुधाए केरु ॿुधाईंदो ॿुधाईंदो ई कोन इहा मूंखे ज़रूर ॻाल्हि ॿुधणी आहे यमराज ॿुधी त लॻो हुनखे कुझु